तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग, आई होप ठीक होगे। तो दोस्तों, आज आए हम बहुत ही फेमस प्रसिद्ध नौबी का मेला भजपुरी चक्की मोड़ में। और ये हमारे सूरज भैया, इनका भी एक चैनल है स्टार रामप्रिया के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है और टाइटल मेंशन कर दिया है। भाई को अधिक से अधिक सपोर्ट करें और एक बार विजिट करें और अधिक से सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, दिखाते हैं आपको बहुत ही सुंदर खूबसूरत ये मेला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है ये पूरा मेला। ये जो मेला है ग्राम भजपुरी चक्की मोड़, तहसील गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर, देवभूमि उत्तराखंड में ये मेला लगता है। अभी थोड़ी ज़रा भीड़ भाड़ कम है क्योंकि समय जो है अभी मेले का ना हुआ, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। इस समय 4 बजे हैं, काफ़ी धूप है। शाम को ये मेला लगता है, 2 दिन का मेला है, शाम को लगता है, रात को लगता है, और कल ज़्यादा भीड़ रहेगी इस मेले में। आइए आपको दिखा देंगे पूरा मेला और बीच बीच में हम जानेंगे लोगों से कैसा है मेला का माहौल। कितनी खूबसूरत और सुंदर ये दुकान है मेला में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। ये देखिए, आइए आपको अब हम मंदिर दिखाते हैं। ये हमारे भाई जी हैं, क्या हाल है भाई जी? तो कैसा मेला इस बार? मेरा सही है इस बार भैया जी। सही है, बिक्री विक्री ठीक ही हो रही है? अभी ठीक ही हो रही है। चलो ठीक है। आइए देखो, हमारे सभी भाई बंधु ने प्रसाद लगाई हुई है। और अभी थोड़ा, क्या हाल है भैया जी? बढ़िया भैया जी। कैसी रही बिक्री उक्री? बिक्री सही चल रही है भैया जी। अच्छा, पिछली बार तो मेला बरसात की वजह से ऐसे हुए, तो जरा कमी हुआ था। इस बार मौसम तो सही हुआ है। तो सही हुआ, ठीक है। तो ये भैया हमारे भैया जी हमारे सब्सक्राइबर भी हैं। क्या हाल है भैया जी? बढ़िया मर भाई। कैसा मतलब मेला इस बार? मेला तो इस बार ठीक ठाक है। अच्छा, वो ये थोड़ी नेक, अभी भीड़ कम है, वो शाम 5-6 बजे तक भीड़ हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये है श्री जहावीर गोवा जी का मंदिर। और बुक्सार में जहाँ जहाँ गोवा जी का मंदिर है, वहाँ वहाँ पर ये जहावीर का मेला लगता है, जो नौबी मेला के नाम से प्रसिद्ध है। और मेला के साथ साथ यहाँ क्षेत्र के ग्रामीण सभी लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और भजन कीर्तन आदि सब यहाँ पर होता है। आइए आपको दिखाते हैं इस मंदिर की लोकेशन और हमारी माता बहनों द्वारा गाए जा रहे हैं भजन को आप सुनवाते हैं। आइए दोस्तों, और दिखाते हैं आपको इस मेले की सुंदर सुंदर झलकियाँ और सुंदर सुंदर दुकानें, और जानते हैं इस मेले के बारे में। ये देखिए कितने मस्त यहाँ पर गुब्बारे उड़ रहे हैं भाई जी ने, बहुत सुंदर मेला है। देखिए कितनी सुंदरता है इस मेले की, बहुत लंबा मेला है ये, बहुत लंबी गली है। और यहाँ इतनी भीड़ आएगी, इतनी पब्लिक आएगी कि पूरी बुकसाड़ इस मेला को देखने आती है। बुकसाड़ के साथ साथ जो क्षेत्रीय है कि जनता है जो क्षेत्र की यहाँ की, और दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं। ये जो मेला है जहारवीर गोगा जी की यादों में ये मेला लगता है। तो दोस्तों, इस मेले की जो खासियत है
ये बुक्सार का फेमस प्रसिद्ध ये नौवीं मेला है और शाम को ही ये मेला पूरा लगता है। शाम को बहुत सारी भीड़ यहाँ पर हो जाएगी और दो दिन का ये मेला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी दुकानदारें अभी आँख लगाकर बैठी हुई हैं कि कब पब्लिक आए और कब हमारा सामान बिके, और धीरे धीरे यहाँ पर लोग अपने घर से निकल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर आइटम लगे हुए हैं। ये मिक्की माउस है और यहाँ जंपिंग पॉइंट है। देखिए कितनी जंपिंग कर रहे हैं ये। देखो नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ जंपिंग करते हुए, और सुंदर नज़ारा है ये। आओ ही ना यार दोबारा, ये रुक जा। ये देखो पूरा मेला है यहाँ पे। ये देखो ये उधर जा रहे हैं, झूले में, झूले में जा रहे हैं। झूलो झूलो, ये पूरा जंपिंग है। यहाँ देखो, यहाँ बंदूक की ये दुकान है निशाना लगाने के लिए। बच्चे यहाँ पर निशाना लगा रहे हैं सुंदर। ये जूस वाले भैया हमारे। तो देखिए यहाँ पर यूबी ले रहे हैं। क्या है यूबी, क्या लिया ये? पाव पीट है। कितने का आंटी जी? 60 रुपये का। 60 रुपये का ये खिलौना लिया है। बहुत महंगा ये अभी मेले में। इसमें दोस्तों हर चीज़ में आजकल महंगाई हो गई है। सामान बहुत महंगे दुकानदार को ही मिल रहा है, तो ग्राहकों को तो और अपना मुनाफा कमाने के लिए महंगा ही देगा। तो सूरज भाई, क्या तो लग रहा है ये मेला? ठीक ही लग रहा है। अभी भीड़ भाड़ ना है तो और भी अच्छा लग रहा है। भीड़ में मज़ा ना आता है। ये बात तो सही है। आज की ठीक से बढ़िया से सूट हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ ना है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी ये लंबा मेला है यहाँ पर, और बहुत सारी हर चीज़ की यहाँ पर दुकान लगती है। आपको सभी सामान मिल जाएगा, और सभी खाने पीने की वस्तुएँ सारी मिल जाएंगी यहाँ पर, बर्गर से लेकर मोमो से लेकर। लेकिन अभी थोड़ा दोपहर का समय है, पब्लिक शाम को ही आती है। जितनी शाम होगी उतना ही ये मेला कसेगा, उतनी ही इस मेले में भीड़ भाड़ होगी। ये मेले हमारे, क्या हाल है भैया जी? बढ़िया बढ़िया। तो दोस्तों देखिए, कितनी सुंदर सुंदर ये दुकानें लगा रखी हैं, सजा रखी हैं, और इनकी रौनक तभी बढ़ेगी जब यहाँ पर भीड़ भाड़ आएगी, पब्लिक आएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे भाई जी मिले हैं दुकानदार, इनसे पूछते हैं। तो भैया जी, क्या नाम रहा आपका? मेरा नाम नरेश सिंह। नरेश सिंह, तो कैसा है इस बार मेला? इस बार तो वैसे हल्का ही, काफ़ी दुकानें आ चुकी हैं। अच्छा, पर ये अभी लगेगा, अभी आने वाले हैं वैसे 4-5 बजे, लगभग काफ़ी जुड़ेगा। आपकी काय की दुकान है ये? ये कॉस्मेटिक की है। कॉस्मेटिक है, अच्छा। देखो भैया जी ने कॉस्मेटिक की दुकान खोल रखी है, और ऐसे ही है, क्या करें। और यही सुंदरता है इस भजपुरी चक्की मोड़ मेले की। ठीक है भाई जी, आगे और दिखा दें दोस्तों आपको। तो क्या हाल है भैया जी? बढ़िया। कैसा है मेला इस बार? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। कौन कौन आए देखने? सभी आए हैं। सभी आए हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या खाना चाहोगे आप यहाँ इस मेले में? सब कुछ खाना चाहेंगे। सब कुछ खाना चाहोगे? हाँ। तो देखो भैया जी, सब कुछ खाने को तैयार है। कोई फेवरेट चीज? फेवरेट चीज क्या है, सभी है। अच्छा, यहाँ पर हम भैया जी से जूस पी रहे हैं। तो दोस्तों, हमने आपको दिखाया ये मेला। अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड।